चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम देख लेते हैं लैक्टिक अम्ल या जिसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड के काफी सारे केमिकल रिएक्शन आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो है वो पूछे जाते हैं। ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का 9th नंबर का नोट्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाकी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, मींस इसे बनाने की क्या क्या विधियां हैं, और इनके जो भी केमिकल रिएक्शन है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं लैक्टिक एसिड। सबसे पहले फॉर्मूला बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि लैक्टिक एसिड जो है वो क्या होता है। इसे अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक अम्ल भी कहते हैं। तो लैक्टिक एसिड का दूसरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। तो अगर इस नाम से आता है तो भी आप कंफ्यूज ना हो, ये लैक्टिक एसिड ही है। और अगर हम अपने नेचर में देखें तो लैक्टिक एसिड जो है वो खट्टे दूध में पाया जाता है, मतलब जो खट्टा मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। क्योंकि देखिए नाम से स्पष्ट है लैक्टिक, और लैक का मतलब जो है वो मिल्क होता है, मतलब ये जो आपका लैक है उसका मतलब जो है वो मिल्क होता है। तो ये खट्टे दूध में जो है वो ये लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लैक्टिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि चुकंदर के पत्तियों में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और यहाँ पे पनीर, तो जो सड़े पनीर होते हैं, मतलब जो पनीर सड़ चुके होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। और उसके बाद है मांसपेशियों में भी मिलता है, मतलब जो हमारे मसल्स होते हैं, मतलब जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं उनमें भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो पेन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमारे जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड का जो प्रोड्यूस है, मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, और उन्हीं लैक्टिक एसिड के कारण हमें जो है वो कभी कभी मसल पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, या फिर मसल में जो है वो सूजन भी आ जाता है। तो लैक्टिक एसिड हमारी स्किन के लिए जो है वो फायदेमंद होते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड अगर हमारी स्किन में अच्छे अमाउंट में है तो उससे हमारी जो स्किन है वो अच्छे से चमकदार दिखती है। तो ये सारे फायदे भी हैं लैक्टिक एसिड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोग जान लिए कि लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, और मिल्क में भी पाया जाता है, खट्टे दूध में पाया जाता है, सड़े हुए पनीर में पाया जाता है, चुकंदर की पत्तियों में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो लैक्टिक एसिड इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल भी है लैक्टिक एसिड का। तो यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। इसे मैं ऐसा भी लिख सकते हैं और हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3CHOH COOH, या फिर अगर हम इसे आसान तरीके से लिखें तो CH3CHOH NCOOH। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो दो विशेष प्रकार का ग्रुप प्रेजेंट है। पहला तो यहाँ पे OH ग्रुप भी है, और दूसरा COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। तो ये आपका लैक्टिक एसिड का जो है वो फॉर्मूला होता है। इसे आप अच्छे से याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्लियर हुआ गाइस लैक्टिक एसिड क्या होता है। तो अब चलिए हम देखते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब बनाने की विधि, हम व्यापारिक स्तर पर, मतलब अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पर देखें तो कैसे हम जो है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है किण्वन द्वारा, मतलब बाय फर्मेंटेशन। तो बहुत टाइम से आप किण्वन वर्ड जो है वो सुनते आ रहे हो, मैं एकदम से सिंपल से वर्ड में बताती हूँ। किण्वन मतलब होता है खमीर उठाने की प्रक्रिया। जैसे कि अब घर में इडली या फिर ढोकला वगैरह बनता होगा तो उसमें आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि इसमें जो है वो पहले हम खमीर उठाएंगे तब हमारा इडली ढोकला जो है वो अच्छा बनेगा। मतलब जो एक प्रकार की खमीर उठाने की प्रक्रिया होती है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, या फिर हम जो है वो इसे किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये प्रक्रिया के द्वारा हम जो है वो लैक्टिक एसिड का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। व्यापारिक स्तर पर, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर, लैक्टिक एसिड को गन्ने की सरकरा, मतलब जो सुगर होता है, जो गन्ने का रस होता है उसमें जो सुगर प्रेजेंट होता है, उसके सुगर को लेते हैं। या तो हम ग्लूकोज का यूज कर सकते हैं या तो हम लैक्टोज का यूज कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है वो बैक्टीरिया डालेंगे, मतलब बैसिलस एसिडी लैक्टाइडी एंजाइम की प्रेजेंस में किण्वन द्वारा जो है वो बनाया जाता है। अब देखिये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने लेना है सुगर जिसमें हम लोगों ने H2O भी लिया हुआ है, और यहाँ पे बैक्टीरिया यूज करेंगे, एंजाइम यूज करेंगे, बैसिलस एसिडी लैक्टाइडी। मतलब ये जो हमारा सुगर होगा उसमें हम या तो सड़ा हुआ पनीर मिला देंगे या तो खट्टा दूध मिला देंगे। मतलब गन्ने की रस में हम खट्टा दूध या फिर सड़ा हुआ पनीर मिला देंगे और उसे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 6 से 7 दिन के लिए जो है वो रख देते हैं। क्या क्या कहा मैंने, गन्ने का रस, मतलब उसमें स्वाभाविक सी बात है शुगर प्रेजेंट है गन्ने के रस में, तो गन्ने के रस में हम जो है वो सड़ा हुआ पनीर या फिर खट्टा दूध मिला करके
40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मतलब गर्मी के दिनों वाला टेम्परेचर जो रहता है ना 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, वही गर्मी के दिनों में हम जो है वो इसे 6 से 7 दिनों के लिए जो है वो रख देते हैं, और इतना करने के बाद आपका लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला इसका लिख सकते हो, शुगर का फॉर्मूला आप जानते हुए C12H22O11, इसमें हम H2O भी ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो बैसिलस एसिडिलैक्टाइडी एंजाइम जो है वो यूज करते हैं, और जब हम इसे 6 से 7 दिन के लिए रखते हैं 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है। अगर आप इसे काउंट करोगे, यहाँ पे कार्बन 12 है, NH जो है वो यहाँ पे 24 है, 22 यहाँ और यहाँ पे दो और है, तो 24 हुआ, और ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, तो अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये सारा जो है वो इसके काउंट के इक्वल जो है वो आ जाएगा आपका लैक्टिक एसिड। काउंट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो 12 ही है, यहाँ पे 4 कार्बन 4 कार्बन एंड 4 कार्बन, तो ये तो आप काउंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है वो आप लैक्टिक एसिड जो है वो बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस प्रक्रिया में और भी हमें क्या क्या करना होता है। सेम चीज मैंने यहाँ पे आपके सेकंड नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है कि गन्ने के रस में कुछ सड़ा हुआ पनीर या खट्टा दूध मिलाकर लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 6 से 7 दिन के लिए जो है वो रख देते हैं। अब इतना तो हो गया, लेकिन यहाँ पे बात यह होता है कि ये जो है वो कुछ ज्यादा ही एसिडिक हो जाता है, मतलब कुछ ज्यादा ही खट्टा हो जाता है, जिसके कारण इसमें जो भी बैक्टीरिया है वो मरने लगते हैं। मतलब इनकी एसिडिक नेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि इसमें जो भी बैक्टीरिया हम लोगों ने यूज किया होता है वो अब धीरे धीरे जो है वो किल होने लगते हैं। तो उससे जो है वो प्रोटेक्शन के लिए हम इसमें क्या करते हैं, चौक का जो है वो पाउडर मिला देते हैं, मतलब CaCO3 जो है वो हम इसमें मिला देते हैं। हम इसमें CaCO3 क्यों मिलाते हैं, जिससे एसिडिक नेचर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ज्यादा एसिडिक होने से बैक्टीरिया जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्लियर हुआ, इसलिए हम इसमें क्या मिलाएंगे, CaCO3 जो है वो हम इसमें मिला देते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम इसमें CaCO3 मिला देते हैं, ये आपका लैक्टिक एसिड है CH3CHOH and COOH। अब हम इसमें CaCO3 जो है वो मिला दिए, क्यों मिला है, चौक चौक का पाउडर आपको इतना क्लियर हो गया, इसके हमको एसिडिक नेचर को जो है वो कम करना है। तो एसिडिक नेचर इससे कैसे कम होगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसमें CaCO3 मिला दे तो इनका एसिडिक नेचर कैसे कम हो सकता है, मतलब ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन होगा जिससे इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है, ये जो आपका H है जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका उसमें एसिडिक नेचर क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनमें ये जो H है हाइड्रोजन एटम के कारण ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मतलब ये जो जिसमें COH ग्रुप रहता है वो काफी ज्यादा एसिडिक नेचर वाला होता है। तो अगर हम इसमें CaCO3 मिलाते हैं, चौक का पाउडर मिलाते हैं, तो ये जो आपका H है वो यहाँ के मतलब ये जो आपका H है यहाँ का 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना करके जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं, मतलब जब यहाँ से निकलेगा तो काफी हद तक इसका जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाता है। क्लियर हुआ आपको, क्या हुआ यहाँ का दो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सामने में देखिए 2 लगा है, तो यहाँ का 2H और यहाँ का O, यहाँ का 2H और यहाँ का जो CO3 है उसमें का एक ऑक्सीजन यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बना करके देखिए यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे आपका क्या बचा, CO2 बचा, एक ऑक्सीजन तो निकल चुका है H2O बन के, और एक CO2 बना, तो अब ये CO2 का एक मॉलिक्यूल भी यहां से अलग हो जाता है, क्या क्या बन गया आपका, CO2 बन गया और H2O बन गया। अब बाकी यहाँ पे जो भी बचा हुआ है उसमें आप CA को जो है वो ऐड कर दीजिए, तो आपका कैल्शियम लैक्टेट बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आपका H जो है वो निकला और H की जगह में CA जो है वो आकर के जुड़ गया, क्योंकि CA का संख्या जो है वो 1 है, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे कोष्टक लगाना है, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे 2 है, देखिए ये सारी चीजें जो है वो 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि CA को भी हमें इसमें ऐड करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दोगे, ब्रैकेट में 2 लिख दोगे और CA को जो है वो आप बाहर लिख दोगे, तो आपका ये बन जाएगा कैल्शियम लैक्टेट। तो काफी हद तक इसका जो भी एसिडिक नेचर है वो कम हो जाता है। लेकिन अब फिर ये आता है कि कैसे हम जो है वो ये CO को बाहर निकाले, हमारा एसिडिक नेचर तो कम हो गया लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम लैक्टेट बन गया, लेकिन हमें कैल्शियम लैक्टेट नहीं बनाना है, हमें जो है वो लैक्टिक एसिड बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायलूट H2SO4 का जो है वो इसके प्रेजेंस में इसके जो है वो फिर से हम रिएक्शन कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो आपका CA है वो इस SO4 के साथ CaSO4 बना लेता है, और यहाँ पे इसका अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ये अवक्षेप क्या है, अवक्षेप समझते हुए नीचे बैठ जाता है, तो CaSO4 को हम जो है वो आउट कर लेते हैं और हमारा लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है। क्लियर हुआ, क्या क्या हुआ यहाँ पे, ये कैल्शियम लैक्टेट को आपको यहाँ पे लिखना है, कुछ नहीं करना है, आपको डायलूट H2SO4 मिलाना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि ये जो आपका SO4 है वो CA के साथ मिलकर के CaSO4 बनेगा और फाइनली आपका लैक्टिक एसिड जो है वो रेडी हो जाएगा।
बहुत ही सिंपल है। तो ये हुआ गाइस कंप्लीट आपका फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के थ्रू हम जो है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी इजी स्टेप है। सबसे पहले हम सुगर में जो है वो बैक्टीरिया सड़े दूध खट्टे दूध और सड़े पनीर को मिलाते हैं, 4-5 दिन के लिए उसे रखते हैं, फिर आपका रेडी हो जाता है। लेकिन उसके एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम जो है वो इसमें चौक का पाउडर मिला देते हैं। देन कैल्सियम लैक्टेट आपका बनता है। कैल्सियम लैक्टेट में जो है वो हम इसके अवक्षेप को बाहर निकालने के लिए हम इसमें H2SO4 मिला देते हैं, डायलूट H2SO4, जिससे CaSO4 का जो भी अवक्षेप मिलता है वो बाहर हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? तो ये तो हुआ पहला मेथड। अब चलिए मैं एक और बहुत ही इजी मेथड आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हम लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कि सरकरा अथवा ग्लूकोज को KOH के विलयन के साथ जो है वो गर्म करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो है वो गन्ने की सरकरा या फिर ग्लूकोज लेना है आपको यहाँ पे C6H12O6, वहां पे आपको जो है वो इसे KOH के प्रेजेंस में इस विलयन को जो है वो गर्म करना है। तो जैसे आप इसे गर्म करते हो आपका ये लैक्टिक एसिड जो है वो बन के रेडी हो जाता है। बट एग्जाम में अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है तो आप ये वाला लिखते हो तो ये भी सही है, बाद में एक आध मेथड जो है वो आप और लिख सकते हो। तो ये कंप्लीट होता है गाइज आपको आज का वीडियो। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि लैक्टिक एसिड जो है वो कैसे बना सकते हैं, क्या होता है लैक्टिक एसिड। देन इसके बाद हम जो है वो लैक्टिक एसिड की जो भी केमिकल रिएक्शन है, जो भी इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो हम जो है वो आने वाले वीडियो में देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और केमिकल रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।